बिहार की आवाम के लिए उन्होंने बहुत ऐसा कार्य किया जो आज बिहार की आवाम जानती है। और कहीं ना कहीं ने बुलेटिन जारी किया है मेडिकल, उस पर स्पष्ट दिखाया गया है कि उनकी जो किडनी की स्थिति वो 25% ही काम कर रही है, छोड़ दिया जाए ताकि अपना बाकी का जो जिंदगी है वो अपने परिवार और अपने बिहार के परिवार के साथ जी सकें। और हमने तो स्पष्ट कर दिया कि हमने अपने पिता को ऑलरेडी खो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी ने लालू यादव को जमानत देने की मांग की है। यह मांग की है कि मानवाधिकार आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और लालू की जमानत से जुड़े जो जरूरी निर्देश हैं वे दिए जाने चाहिए। लालू की सेहत नासाज है जाहिर तौर पर, और लालू की किडनी 25% ही काम कर रही है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू जी हैं। कल्लू जी, आपने लालू यादव की जमानत की मांग की है। देखिए, कहीं ना कहीं हमने अपने पिता तुल्य आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी को कुछ दिन पूर्व में ही हम लोगों ने खो दिया है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अभिभावक और बिहार की आवाम के अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद जी हम लोगों के बीच ना रहें। हम लोग चाहते हैं वो रहें। उन्होंने बिहार के हित के लिए और बिहार की आवाम के लिए उन्होंने बहुत ऐसा कार्य किया जो आज बिहार की आवाम जानती है। और कहीं ना कहीं आज मानवाधिकार को हमने आज आवेदन अपने लिखा है और आग्रह किया है कि जिस तरीके से डॉक्टर ने बुलेटिन जारी किया है मेडिकल, उस पर स्पष्ट दिखाया गया है कि उनकी जो किडनी की स्थिति वो 25% ही काम कर रही है। बहरहाल हम मानवाधिकार से आग्रह करते हैं कि अविलंब किसी न किसी उपाय को देखते हुए लालू प्रसाद यादव जी को छोड़ दिया जाए ताकि अपना बाकी का जो जिंदगी है वो अपने परिवार और अपने बिहार के परिवार के साथ जी सकें। आप लालू यादव की जमानत की मांग कर रहे हैं और साथ में आप यह भी कर रहे हैं कि देखिए दलगत भावना से ऊपर उठकर हम लोग ये मांग कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कल्लू जी, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो कई तरह के मायने निकाले जाते हैं। हाल के दिनों में RJD और LJP के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। मामला सिर्फ इस बयान का नहीं है। RJD ने आपको ऑफर दिया कि भाई आप रीना पासवान को उम्मीदवार बनाइए और हम सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ सपोर्ट का वादा किया गया, इसलिए आप लालू की जमानत की मांग कर रहे हैं। नज़दीकियाँ तो बढ़ती दिख रही हैं जो घटनाक्रम है। देखिए, मानो जो मेरा जो है उस इन सब चीज राजनीति को हम हटा रहे हैं, इस जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में बिल्कुल ही हम राजनीति को हटा रहे हैं। ठीक है, हम पार्टी का मीडिया प्रभारी हैं, हम अपने का प्रयोग किए हैं। बहरहाल हम चाहते हैं कि लालू जी जो हैं अविलंब हम लोगों के बीच आ जाएं, हमारे अभिभावक हैं और साथ साथ 12 करोड़ अवाम के भी वो अभिभावक हैं, इसलिए हम लोगों का नज़दीकी। देखिए, व्यक्तिगत रिलेशन जो होता है राजनीतिक से हट के व्यक्तिगत रिलेशन होता है, और हमने तो स्पष्ट कर दिया कि हमने अपने पिता को ऑलरेडी खो चुका है, पिता तुल्य आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, और हमारे अभिभावक और साथ साथ सिर्फ और सिर्फ वो हमारे अभिभावक नहीं है, पूरे बिहार की आवाम की अभिभावक। देखिए, एक आखिरी सवाल है, लालू यादव की तबीयत बेहद नासाज है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है, उनके डॉक्टरों ने भी कहा है। और दूसरी बात यह है कि लालू इस देश के बड़े नेता हैं, राजनीति जगत के बड़े चेहरे हैं, और पूरा देश यह दुआ करता है कि लालू स्वस्थ रहें, हम भी दुआ करते हैं कि स्वस्थ रहें, लेकिन लालू की जमानत की आप मांग जिस तरह से कर रहे हैं, BJP का यह स्टैंड नहीं। अब तक तो आप BJP के साथ खड़े दिखाई देते रहे हैं, BJP का जो स्टैंड रहा है वही आपका स्टैंड रहा है, इस बार स्टैंड थोड़ा अलग है, इसलिए अलग मायने निकाले जाएंगे इसके। देखिए, मैंने राजनीतिक में मैंने तो हर पहलू पे निकाले जाते हैं। बहरहाल हम स्पष्ट आपको करना चाहता हूँ कि इसको राजनीतिक से जोड़ के आप नहीं देखिए, हम तो बोले मानवता भी कोई चीज़ होता है।
तो मानवता के लिहाज से देखा जाना चाहिए इस पूरे मामले को, और लालू को जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि किडनी महज 25% ही काम कर रही है, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, हालात और खराब हो सकते हैं। ऐसे में लालू यादव को जमानत दिया जाना चाहिए, एलजेपी की ये मांग है। कृष्ण कुमार कल्लू जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं लोजपा के, वो ये कह रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और उसको देखना चाहिए, और जो जरूरी निर्देश मानवाधिकार आयोग दे सकता है लालू की जमानत को लेकर वो दिए जाने चाहिए। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।